नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम अंडा लेयर फॉर्म में उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अंडा लेयर फॉर्मिंग के लिए मुर्गियों का देखरेख किया जाता है। तो पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हमारा मेन जो फोकस होगा वो लेयर फार्मिंग के लिए मुर्गियों को किस तरह से देखरेख कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेन रूप से हम उसी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा फॉर्म में है, अभी मुर्गियाँ खाने में लगी हुई है। मुर्गियाँ इधर पानी के चक्कर में भी होगी, लेकिन ज़्यादातर खाने में लगा हुआ है। नीचे आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि आपको अंडे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इस बार आपको अंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ है जो कि सामान्य अंडे से बहुत छोटा है। ये अंडा कभी कभी जब नई मुर्गियाँ अंडे देती है तो अंडा थोड़ा सा छोटा होता है, और जो ज़्यादातर अंडे होते हैं उसको उठा करके ट्रे में रख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अंडे आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को और गहराई से समझने के लिए हम जो इसके ओनर हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि मुर्गियों का रख रखाव कैसे किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए इधर पे, एक जो पिंजरा बना हुआ है, इसको हम पिंजरा बोलते हैं, यहाँ से ये खुलता है। इस पिंजरे में आप देख सकते हैं चार मुर्गियाँ हैं, इसमें तीन मुर्गियाँ हैं और किसी किसी में आपको पाँच मुर्गियाँ भी दिख जाएगी। और हमें देखकर थोड़ी सी लगता है कि मुर्गियाँ सब डर गई है, लेकिन चार पाँच एक पिंजरे में होता है। नीचे का फॉर्म दिखाई, जैसे कि बोला मैंने कि यहाँ पर देखिए इसमें आपको पाँच मुर्गियाँ भी दिख जाएगी। तो तीन चार पाँच छः तक एक पिंजरे में रखा जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ब्रॉयलर मुर्गियों को रख रखाव करना एक बड़ी चीज़ें हैं। तो जो लोग इसको कई सालों से कर रहे हैं वो किस तरह से मुर्गियों की देख रेख करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे पाए, वो चीज़ें हम जानते हैं। तो हमारे साथ फॉर्म के ओनर आ चुके हैं। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंटन कुमार होगा। मंटन कुमार जी, कितने दिनों से फॉर्म चला रहे हैं? लगभग पाँच साल हो गया। पाँच साल, ये कितने मुर्गियों का फॉर्म है? इसमें 5000 बर्ड। 5000 का। ये एरिया कितना स्क्वायर फीट में होगा लगभग? इसमें जो है लंबाई होगा आपका मोटा मोटी 100 फीट का लपेट में होगा। 100 फीट का। और चौड़ाई होगा आपका 40 फीट करीब। 40 फीट। हमें इस वीडियो में ये आप बताइए कि मुर्गियों को जो रख रखाव होता है, जब से चूजे डलते हैं खास करके अंडे के लिए, तो चूजे डाले जाते हैं तो कितने दिनों के बाद मुर्गियां अंडा देना शुरू करती हैं? देखिए, इसमें जो है दो तीन टाइप के चूजे आते हैं। अच्छा। जिसमें एक होता है ब्रांड बैंकिज, उसका नाम रहता है। अच्छा। अभी फिलहाल में जो मेरा जो चूजा है वो स्काईलार्क का है। स्काईलार्क का। हाँ, तो स्काईलार्क का मिनिमम आपका वो 120 दिन, जब हम लोग 120 दिन का बर्ड हो जाएगी तब से अंडा देना लगभग शुरू कर देगी। स्काइलर हो या बैंकिज हो, ये अलग अलग कंपनियों में डिफरेंट क्या हो? डिफरेंट यही होता है कि जो स्काइलर का है थोड़ा लेट से अंडा उठाना शुरू करती है और ज़्यादा दिनों तक देती है। अच्छा। और बैंकिज में है कि जो पहले उठाएगी और पहले ही, मतलब कि कम दिनों तक ही चलेगी। पहले उठाएगी तो पहले ही इसको कटिंग कराना पड़ता है, और जो स्काइलर में है वो ज़्यादा लेट से उठाएगी थोड़ा, तो उसको जो है आपका लेट तक, अब ज़्यादा दिनों तक अंडा देगी। हम थोड़ा शुरुआत में जाना चाहेंगे कि जब चूजा डलता है उस टाइम चूजे का वेट कितना होता है? उस समय चूजे का वेट मिनिमम होता है 30 ग्राम होगा। 30 ग्राम माने वन डेज का आपका जो का, हाँ, चूजा होता है। ये वन डेज में हम लोगों के पास कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है, और उसके बाद हम लोग जीरो, इसका जो जीरो डेज से लेकर के उसके बाद हम लोग इनको दाना वगैरह, दवा वगैरह जो है सब कुछ खिलाना शुरू करते हैं। तो रख रखाव करने के लिए, जैसे कि मुर्गियां हैं, ज़्यादातर हमें पता है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है जिससे कि मुर्गियां मर जाती है और फार्मर को नुकसान लग जाता है। तो शुरुआत में किस तरह से इसका रख रखाव किया जाता है, कौन सी दवाई, किन किन बीमारियों से बचाव के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ती है? हाँ सर, बता रहे हैं कि इसमें जो है सबसे पहले ये जो फार्म है इसके नीचे ही जहाँ वो बीट गिरा हुआ है। अच्छा अच्छा। उसमें ही हम लोग ब्रोडिंग करते हैं, जैसे 1000 एक जैसे घिराव करते हैं ब्रोडिंग करके, उसमें 1000 बर्ड का जो है
एक ब्रोडिंग में 1000 बर्ड रखेंगे, गैपिंग ऐसे ऐसे खंदा वाइज हम लोग बनाएंगे। देखिए ब्रूडिंग का एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से अंदर ब्रूडिंग होता है, तो भैया भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुर्गियाँ रेडी होने से पहले चूजों को नीचे ब्रूडिंग में रखा जाता है, जहाँ की अभी बीट गिरा हुआ है वहाँ पर पहले रखा जाता है, फिर तैयार होता है तो ऊपर लाया जाता है। तो कितने दिन ब्रूडिंग में रखा जाता है? ब्रूडिंग में रखा जाता है मिनिमम 60 डेज, 60 दिन, हाँ, दो माह तक, दो महीना ऊपर। उसके बाद जो है आपका जैसे बच्चा अगर अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जैसे अगर बर्ड अच्छा ग्रोथ किया है तो 60 दिन, नहीं अगर ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है तो आपको 70 दिन भी नीचे रखना पड़ता है। नीचे का जो फर्श होता है वो पक्की होती है या मिट्टी का? नहीं, मिट्टी की होती है, उसमें हम लोग धान का भूसा जो होता है वो नीचे बिछाया हुआ रहता है, पानी उनी नहीं गिरना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, उस सब का ध्यान रखना। अगर नीचे नमी हुआ उसका भी असर पड़ता है? हाँ, असर पड़ता है, उसमें दवा एक बीमारी होता है कोक्सी, कोक्सी नामक बीमारी फैल जाता है, तो उसमें बर्ड जो है मरना शुरू कर देती है, उसके लिए हम लोग नीचे से थोड़ा मोटा भूसा बिछा करके रखते हैं, जिससे कि नीचे से सीलन ना आए, सीलन नहीं आए। तो आम तौर पर मुर्गियों में ये ब्रॉयलर के लिए जो अंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियां होती है इसमें? पहली बीमारी है आपका कैल्शियम का कमी होता है, उसके बाद आँख में एक बीमारी आता है कोरेजा, जिससे आँख से लोर टपकना शुरू होता है, आँख को डैमेज कर देता है। उसके बाद लीवर का है, लीवर फंक्शन काम नहीं करेगा, बच्चा जो है बर्ड जो है दाना नहीं खाएगी, बढ़िया से खा पाएगी, अनेकों प्रकार की बीमारियां होता है, जिसको हम लोग अपना दवाई दे करके और जो है दवा समझ में आ जाता है कि क्या देना होता है। उसके बाद तो कंपनी जो आपको चूजा प्रोवाइड कराती है, मेन रूप से वो केवल चूजा प्राइवेट प्रोवाइड करा देते हैं या आपको मतलब मुर्गियों को रखरखाव के लिए भी जानकारी देते हैं? जानकारी जो नया जो फार्मिंग करते हैं उनको थोड़ा वो ये करती है, गाइड करती है। अच्छा। और जो पुराने फार्मर हैं उनको तो खुद मालूम होता है कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। अच्छा, तो समय के हिसाब से उसको रख देना पड़ता है। तो 3-4 महीने के बाद मुर्गियाँ आमतौर पर अंडा देना शुरू कर देती है, तो कितने दिनों तक ये अंडा देगी? अगर बढ़िया से मेंटेन करके रखें, अगर दवाई वाई समय से चलाते रहें तो आपका 18 माह 19 माह तक लगातार अंडा देगी। 19 माह तक दे सकती है? लगातार देगी, और उसके बाद फिर मुर्गियां रिटायर हो जाएगी। रिटायर होने के बाद क्या वेट होता है मुर्गियों का? मतलब 1.5 केजी से लेकर के 2 केजी के बीच में रहती है। अच्छा, तो आप सिवान शहर में मुर्गियाँ पाल रहे हैं अंडे के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपका थोक में निकल जाता होगा एक साथ, ये जो मुर्गियाँ आपका रिटायर होने के बाद कहाँ सप्लाई होता है? देखिए ये तो मोटा मोटी नेपाल साइड के बॉर्डर साइड में ही जाती है, इस तरफ के इस साइड के लोग जानते हैं इस मुर्गी के बारे में, तो इधर का तो कोई ही नहीं होगा, और नेपाल और अदर भी कंट्री जो है बांग्लादेश साइड वगैरह में सप्लाई होगी मांस के लिए। तो उसके लिए व्यापारी बाहर से आता है? हाँ, सब बाहर से व्यापारी लोग आते हैं और सब लोग विजिट करते हैं, जहाँ तहाँ फॉर्म जिसका कटिंग होने वाला होता है, तो उसके बाद जो है कितना दिन और है तो वो लोग कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उसके बाद हम लोग बुला करके और सेल कर देते हैं। छोटे स्तर पर जो पहली बार शुरू करना चाहते हैं उसे मिनिमम कितने के साथ मुर्गियों के साथ शुरू करना चाहिए ताकि उसके लिए सही रहे? देखिए इसमें जो है आपका मिनिमम आप 3000 से कम का अगर फार्मिंग चालू करते हैं, 3000 बर्ड से, तो उसमें जो है आपका कॉस्टिंग लगभग उतना ही आएगा जितना 5000 में आता है उतना 3000 में रह गया। बात की फीड के लिए, तो 5000 रखेंगे तो फीड थोड़ा ज़्यादा लगेगा और 3000 रखेंगे तो फीड थोड़ा कम लगेगा, बाकी सब जो है रख रखाव मेंटेनेंस पंखा फैन वगैरह लगभग उतना ही लगेगा। तो 5000 का जो मुर्गियाँ का रख रखाव का खर्च है, ये 5000 का आपका फॉर्म है, तो एक दिन में कितना फीड खा जाता है ये मुर्गियाँ? एक दिन में फीड आपका खा जाती है 5 क्विंटल। 5 क्विंटल पर डे? पर डे। तो 5 क्विंटल का कितना प्राइस हो गया? पहले तो फार्मिंग बहुत सस्ता था, लेकिन अब तो काफ़ी महंगा हो गया है। अभी हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट का ही बात करेंगे। हाँ, तो अभी 5 क्विंटल का हो जा रहा है आपका लगभग 13000 रुपये लगभग। 13000 पर डे का, यानी कि 4 महीने के दौरान हमको लगता है 7-8 लाख रुपए खर्चा है फीडिंग। तो फिर आप जब अंडे देना शुरू करती है मुर्गियाँ तब आपका बेनिफिट निकलता है। तो सेलिंग होलसेल रेट क्या क्या आ जाता है अंडे का? होलसेल का फिक्सेशन नहीं है कि क्या आएगा, आज का रेट कुछ अलग रहेगा, कल का रेट कुछ एक एवरेज रेट
एवरेज रेट कोई नहीं है। अच्छा, शेयर मार्केट की तरह, शेयर मार्केट की तरह रेट फ्लक्चुएट होता है, जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का दाम पर डे फिक्स होता है, उसी तरह अंडे का भी दाम पर डे फिक्स होता है। तो एक लास्ट सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि खास तरह की मुर्गियाँ जो होती है, कुछ लोगों का कहना है कि मुर्गियाँ मरती बहुत ज़्यादा है ना, तो एवरेज कितना होता है अगर 5000 या 1000 मुर्गियाँ डाला जाए तो कितना परसेंटेज सुरक्षित बचता है, कितना मर जाती है? आपका जो है 80% लास्ट तक 80% सुरक्षित रह जाती है, 20% लॉस हो जाता है चांसेज अगर अच्छे तरीके से रख रखाव करें तो। इसमें पहला प्राथमिकता है टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर हाँ, मौसम पे डिपेंड करता है, अगर मौसम सही है, मौसम में नमी है तो बर्ड नहीं मरेगी, मौसम अगर पूरा गर्मी है मौसम में पूरा तो बर्ड मरेगी मरेगी। यानी कि आपके कहने का मतलब हुआ कि इस मुर्गियों को ठंडे मौसम चाहिए, हाँ गर्म मौसम इसको ना, ठंडा चाहिए ना गर्म चाहिए, मौसम मौसम नॉर्मल मौसम चाहिए, नॉर्मल मौसम चाहिए। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों देख लिया आपने, मैंने भैया के साथ सब कुछ क्लियर कर गया कि किस तरह से आप अगर लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं अंडे के लिए तो आपको किन किन चीज़ों को रख रखाव करने की ज़रूरत है, तभी आप सही से बर्डिंग फार्मिंग कर सकते हैं, बर्ड को रख सकते हैं, क्योंकि लेयर फार्मिंग एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। तो इसमें अगर आप आ रहे हैं इस बिज़नेस में तो सबसे पहले आपको बिज़नेस को अच्छी तरीके से समझना होगा, फिर आप लेयर फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी किसानों तक, बिजनेसमैन तक, लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो सही जानकारी प्राप्त करके अपना बिज़नेस शुरू कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।